बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 6। आज हम डिस्कस करेंगे मेटालॉइड्स यानी फुलनुमा। मेटालॉइड्स क्या होते हैं आज हम वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन देखिए, दे आर एलिमेंट्स विच शो डुअल करेक्टर। डुअल करेक्टर क्या था मैं अभी आपको बता दूंगा। मेटालॉइड्स क्या होते हैं, डुअल करेक्टर दोहरा करेक्टर रखते हैं। दैट इज दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। फुलनुमा या मेटालॉइड्स मेटल्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी होते हैं, दोनों की करेक्टरिस्टिक्स इनमें पाई जाती हैं। कभी कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर भी होते हैं, इंसुलेटर भी होते हैं या सेमी कंडक्टर भी होते हैं। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें से कभी बिजली गुजर सकती है या कभी नहीं भी गुजर सकती, उन्हें कहते हैं सेमी कंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम बेस्ट सेमी कंडक्टर हैं ग्रुप 4th ए में। नंबर टू देखिए, देयर ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। एम्फो माने डबल, दो रूहा, डबल करेक्टर वाला। हैव बेसिक्स एज वेल एज एसिडिक, यानी इनके ऑक्साइड्स एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। आगे चल के एसिड और बेस से बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स मेटालॉइड्स हैं देख लेते हैं हम। बोरोन ऑफ ग्रुप 3rd ए, यानी ग्रुप 3rd ए का जो एलिमेंट है हमारे पास बोरोन, वो क्या है, वो भी हमारे पास मेटालॉइड है। ग्रुप 3rd ए में आप देखिए बोरोन, अल्मोनियम, गैलियम वगैरह, और में जो सबसे टॉप पर आता है ग्रुप 3rd ए में जो सबसे टॉप पर आता है बोरोन आता है। ये भी क्या है मेटालॉइड है। ग्रुप 4th ए में देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और सीसा। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, ग्रुप 4th ए में मेटालॉइड है, यानी मेटल्स भी है नॉन मेटल की दोनों की खसूसियात रखते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। इन्हें सेमी कंडक्टर भी कहते हैं, कभी कंडक्टर होते हैं कभी इंसुलेटर होते हैं। एस्टटीन ऑफ ग्रुप 7 ए में वाहिद एलिमेंट है एस्टटीन जो मेटालॉइड है, यानी आप ग्रुप 7 ए देखिए, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन एंड एस्टटीन। एस्टटीन क्या है, ये भी मेटालॉइड है। ये था आज का लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।